बैठो यूनियन लीडर। बड़े दिन बाद दिखे। कहाँ गए थे? गोष्ठी में जा रहे हो क्या? वहीं जा रहा हूं। तुम नहीं जा रहे? मुझे लगा लौट रहे हो। मेरी सारी रोटियां खत्म हो गई। सारी रोटियां खा ली मैंने, क्या करूं? मेरी कविताओं में सिर्फ रोटियां ही रोटियां होती हैं, पर क्या करूं, मुझसे और कुछ लिखा नहीं जाता। दिन भर मेहनत करता हूं, शाम को जब रोटियां लेकर चलता हूं भूख लगती है, सारी रोटियां खत्म हो जाती हैं। इसीलिए 2 साल से तुम उस गोष्ठी में नहीं जा पाए। सच कहूं, मुझे वो आलोचक बड़ा धूर्त लगता है। जनसाधारण के नाम पर सबको बेवकूफ बनाता है। ये क्या मतलब है? कविता में जो भी प्रतीक हो सब ले आओ। भाई मुझसे तो ना हो पाएगा। सच कहो तो मैं उसे अपनी रोटियां देना भी नहीं चाहता। बताओ क्यों दूं? तुम्हारे बस की बात है, तुम जाओ। भाई मुझसे नहीं हो सकता। तुम सक्षम हो, कहां से ये प्रतीक लेके आते हो सारे? क्या सारे प्रतीक आ गए? पंद्रह दिनों से एक प्रतीक खोज रहा हूं, मिल ही नहीं रहा। कौन सा प्रतीक है ये? एक पंखुड़ी का गुलाब। एक पंखुड़ी का गुलाब? कोई भी एक गुलाब लो, उसकी सारी पत्तियां नोच डालो, एक पंखुड़ी बचेगी। हो गया एक पंखुड़ी का गुलाब। अच्छा, आइडिया तो ठीक है। ठीक है यार, तुम जाओ गोष्ठी में और मैं चलता हूं रोटियां बनाने। अरे 2-4 रोटियां मेरे लिए भी बना देना, लौट के आता हूं, साथ बैठ के खाएंगे। पक्का, साथ साथ खाएंगे, देर मत करना। अच्छा, अब इस गोष्ठी की अगली कवयित्री रितु कुमारी जी, बहुत ही प्रतिभाशाली कवित्री, बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं। इस गोष्ठी में अब हम रितु कुमारी जी को सुनेंगे। नए श्रोताओं के सूचनार्थ मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो कभी भी अपनी कविता पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हें उनकी कविता में वर्णित प्रतीकों को यहाँ प्रदर्शित करना होता है, ताकि श्रोता उन कविताओं में आए प्रतीकों के साथ तादात्म्य स्थापित कर सके। कविता का शीर्षक है सौतन झुमके। सुनो डियर, तुम कहते हो मेरे झुमके में तुम्हें पृथ्वी दिखती है और तुम्हारा मन किसी सैटेलाइट की तरह घूमता रहता है उसके चारों ओर। तब इस झुमके पर उमड़ आता है बहुत बहुत प्यार।
क्योंकि डियर ये झुमके तुम्हें बहुत प्रिय हैं। धन्यवाद मित्रों। आज तक बल्कि अभी तक इस गोष्ठी में जितनी कविताएं पढ़ी गई हैं उन कविताओं में मुझे सर्वश्रेष्ठ कविता लगी ये रितु कुमारी की लिखी सौतन झुमका। वाह अद्भुत कविता। ये जो सौतन की डाह और झुमके की डाह को मिलाकर अगर आप पढ़ें तो जो लक्षार्थ और व्यंग्यार्थ निकलता है और जो सौतन के झुमके की डाह से सौतन की डाह की तुलना जब आप करें तो सूरदास की गोपियों की सौतन की डाह से उसकी तुलना कर सकते हैं। वाह वाह रितु। कहाँ थे? प्रतीक पूरे हैं तुम्हारे? नहीं। क्यों? एक पंखुड़ी वाला गुलाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? नहीं मिला। तुम इतनी लंबी कविताएं लिखते क्यों हो? फिर टूट फूट ही जिंदगी का हिस्सा नहीं है? इससे पहले तुम ट्रक का एक बहुत पुराना सड़ा हुआ टायर लेकर आए थे। वो प्रतीक मैंने समझा दिया था। लेकिन उस टायर से एक जोड़ी चप्पल भी नहीं बन सकता। कल मैं उस टायर को गोदाम से निकलवा कर बाहर घूरे पर फिकवा दूंगा। जान लो कविता कोई घूरा नहीं है जिस पर प्रतीक के रूप में अजली सिगरेट, टूटे आईने, कांच के टूटे ग्लास, टूटी तस्तरियां और इसी तरह के गंदगी का ढेर हो। इस बार भी तुम सड़ी गली चीजें लाए होगे। क्या तुमने कोई भी चीज साबुत नहीं देखी? फिर एक पंखुड़ी का गुलाब कहाँ होता है? एक पंखुड़ी का गुलाब कहाँ होता है? मान लो अगर तुम वो एक पंखुड़ी का गुलाब लाते ही हो फिर भी तुम्हारी कविता का वह प्रतीक दुरुस्त नहीं होगा। तुम्हें अपनी कविता से वह हिस्सा निकालना होगा जिसमें एक पंखुड़ी का गुलाब है। नहीं निकालता मैं। कहां से लाऊं मैं एक पंखुड़ी का गुलाब? 15 दिन से ढूंढ रहा हूं मैं, कई बगीचे देखे, लेकिन एक उपाय सोचा है मैंने। मैं इस गुलाब की सारी पंखुड़ियां नोच फेंकूंगा, एक पंखुड़ी रहने दूंगा। लो अब ये एक पंखुड़ी का गुलाब। क्या गुलाब की पंखुड़ियां नोची नहीं जाती हैं? क्या पौधे में पड़े पड़े गुलाब मुरझा नहीं जाते हैं? लेकिन यह कविता और पाठक के साथ बेईमानी होगी और मैं इसे कभी नहीं सहूंगा। तुम अब इस संस्था में नहीं रह सकते। तुम्हारी यह अंतिम कविता यहाँ पर होगी जिनके प्रतीकों को तुम गोदाम में उड़ेल सकते हो। ठीक है तो आखिरी बार इन प्रतीकों को तुम्हारे गोदाम में रखा जाए। तुम अपने साहित्यिक अपसरी के रौब में साहित्य से कुछ भी गलत सलत करा सकते हो। मुझे अपने प्रतीकों से बहुत प्रेम है। यह किसी दुकान के कीमती सामान नहीं है। तुम क्या चाहते हो, अपनी कविताओं में मैं 2000 के नोट रखूं और वो तुम्हारे गोदाम में जमा करवा दूं? चाहे इसके लिए मुझे चोरी क्यों न करनी पड़े। और तुम मजे करो। सच तो यह है कि मैंने आज तक 2000 के नोट देखे ही नहीं है। मैंने आज तक जिंदगी में कुछ भी साबुत नहीं देखा है। टूट फूट ही मेरी जिंदगी है।
मित्रों, यह पहले ही तय कर लिया गया था कि जो भी कवि यहाँ अपनी कविताएं पढ़ेगा वह अपने प्रतीकों को साथ लाकर यहाँ प्रदर्शित करेगा। इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है कि जिंदगी के प्रतीक इसलिए नए नहीं हैं क्योंकि वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के प्रतीक हैं। फर्क उनके प्रयोग का है। मित्रों, साथ ही यह एक बहुत बड़ी बात होगी कि तमाम प्रयोगों के बाद यह कविता पाठ का एक नया प्रयोग होगा। कवि कविता पाठ कर रहा है और दर्शक सामने प्रतीकों को प्रत्यक्ष तौर पर देख रहा है। यह कविता का एक तरह से प्रत्यक्षीकरण होगा। तुम्हारी कविता में मरे हुए सांप के मुंह में चींटियां लगी हुई हैं, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन तुम जो ये मरा हुआ सांप लेकर आए हो उसमें तो चींटियां लगी हुई हैं। या तो तुम अपनी कविता ठीक कर लो या फिर प्रतीक ठीक कर लो। लो, देख लो, अब चींटियां हैं। कविता का शीर्षक है कुछ नहीं। तुम नहीं हो, पास है मेरे अब भी वो चांदी का ग्लास। हाथ रखकर उसी पर तुम्हें महसूस कर लेता। वह आता सिक्स पैक लिए दो टूक कलेजे को रौंदता है।
कानून को ह्यूमर बनाकर ठुमका नाच दिखाता है। कानून को ह्यूमर बनाकर ठुमका नाच दिखाता है और तब जाकर वह ह्यूमन बीइंग कहलाता है। जब एकदम ठीक की कोई पकड़ा नहीं तुमको? पीछे के दरवाजे से निकल गया। एकदम देखने वाला नजारा होगा। कहा जलते गोदाम को देख के आलोचक का मुंह तो करिया गया होगा। कल का हेडलाइन होगा, एक कवि एक महान आलोचक के गोदाम को स्वाहा कर दिया। स्वाहा नहीं हुआ। अच्छा, दरअसल कवि ने आग तो लगाई पर आलोचक अपने गोदाम को बचाने में कामयाब रहा। फिर आग तो बड़ी तेज भभकी, अगर मैं थोड़ी देर रुकता तो मैं भी जल जाता। मैं तो पीछे से भाग आया। बाहर आकर के देखता हूं कि आलोचक जो है फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा रहा है। बाद में मुझे ध्यान आया वहां पर एक फायर एक्सटिंग्विशर भी था। काश मैं लेके भाग आता। साला बाद में अपने चमचा कवियों को और जो आसपास लोग इकट्ठा हो गए थे उनको दिखा के और कविता और उसके प्रतीकों की उपयोगिता समझा रहा था। फिर क्या चला आया मैं? अब दोबारा गोष्ठी में तो नहीं जाओगे? गोष्ठी में जाने के लिए थोड़ी ना आग लगाई थी। हा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 ह